बहन, दिस इज अ रिमाइंडर, तू रोती बहुत है, ले थोड़ा पानी पी ले। डियर बेस्ट फ्रेंड, अगर तेरा बॉयफ्रेंड है तो उसे ब्रेकअप कर ले। अगर तू किसी लड़के से बात कर रही है तो उसे बात करना बंद कर दे। तुझे क्या जरूरत है दूसरे लड़के की? मैं हूँ तेरे लिए यहाँ पे। तू रहूँ मैं सिंगल, बाय। तुम जैसे लोगों को अगर बॉयफ्रेंड नहीं मिले तो इसका मतलब है सारी दुनिया सिंगल है। क्यों? तो मेरी एक पंजाबी लड़के से बात हो रही थी और वो मुझे कहता है कि he don't want to date a पंजाबी girl। अगर तुम्हें भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने में दिक्कत आ रही है और वो तुम्हें मिल नहीं पा रहे हैं तो गाइस, कुछ लोग सिंगल ही जीते हैं और सिंगल ही मरते हैं और वो कुछ लोग तुम हो। तुम्हें किसी नहीं, मैंने इन दीदी के बारे में एक बात नोटिस की है, इनको कपल्स से बड़ी प्रॉब्लम है। बहन, मुझे समझ नहीं आता तुम सेम बंदे के पास वापस कैसे चले जाते हो जिसने तुम्हें इतना हर्ट किया। तुम्हें लगता है कि तुम उसे सुधार सकती हो, तुम सब कुछ ठीक कर सकती हो? नहीं बहन, तुम नहीं ठीक कर सकती हो, कुछ ठीक नहीं होगा, तुम उसे नहीं सुधार सकती हो। गाइज भी लाइक, लड़कियों को बहुत टाइम लगता है रेडी होने में, लड़कियां मेकअप करने में बहुत टाइम लगाती है, तुझे टट्टी करने में 40 मिनट क्यों लगते हैं भाई? हाँ राहुल, ऐसा क्या करता है तू 40 मिनट टॉयलेट में बैठ कर? बता। बात तो सही है। दे मुक्के और लिखिए टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, लड़कों की केयर मत किया करो, अपनी स्किन की केयर किया करो, बिकॉज बॉयज आर व्हाटएवर एंड योर स्किन इज फॉरएवर। हम देखते हिलाते बिट्टे, हिलाते बिट्टे, हिलाते बिट्टे। गाइस बी लाइक, मैं सच में उससे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। तो तू उसके लिए क्यों लॉयल नहीं है? क्यों तू दूसरी लड़कियों के पीछे भागता है? क्यों तू दूसरी लड़कियों की फोटोज लाइक करता है इंस्टाग्राम पे? क्या लाइक करना, वो तो तुम भी करते हो, मैं भी करती हूँ। लाइक 5-6, तुम बहुत नालायक हो, तुमने आज तक हमारे किया ही क्या है? व्हाट्सएप चलाना किसने सिखाया? फेसबुक पे आईडी किसने बनाई? यूट्यूब पे आईडी किसने बनाई? मैसेज फॉरवर्ड करना किसने सिखाया? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? आप इस वीडियो को देख के तो मुझे ऐसा लगा, भाई ऐसे बच्चे को लोग पैदा क्यों करते हैं, और पैदा हो भी जाते तो इनका कान पे चपेट क्यों नहीं लगाते हैं? ला इतना फालतू बोलते हैं लोगों को लेके। बात तो सही है, और होते भी तो उनके मम्मी पापा क्या सिखाते हैं, कान पे चपेट नहीं रखा जाता है, इतना फालतू बोलते हैं। खुशी नहीं मिलती, हमें भी दर्द होता है। लाओ बेल्ट इधर लाके दो मुझे, एक बार मैं भी मार के देखूं कितना दर्द होता है, पता चल जाएगा हमें कितना दर्द होता है। वो बेल्ट दो एक बार, वो चप्पल भी दो। आज मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? मारते हैं और मतलब ऐसे पीटते हैं तो हम जाके उनको भी मारें। क्यों दीदी, यही चाहती हो ना आप? कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो रोस्ट कर रही हूं और समथिंग लाइक दैट एंड आई हेट गाइस एंड ऑल, बट इट्स नॉट ट्रू हनी, आई love men, like I wanna be with a man. वो अलग बात है, मुझे मिल नहीं रहा, but वो अलग बात है, मुझे मिल नहीं रहा, but मुझे लड़कों से कोई problem नहीं है, तू trick समझ रहे हो? viral होना और कुछ भी नहीं है, किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। एक बिना बजाय किसी की बेइज्जती कर सकती है, चाहे वो निब्बा हो, चाहे वो कोई boy हो, या इनका खुद का boyfriend हो, अपने खुद के boyfriend को ये। उसकी टट्टी भी तेरी ही है, खा ले तो उसको। मतलब ये चाहते हैं इनका जो बॉयफ्रेंड है वो कुत्ते जैसा हो, तो दीदी आप ऐसा कुछ करो ना कि आप लड़की को छोड़ो, क्योंकि वो कुत्ते से भी घटिया होते हैं, वो लॉयल नहीं होते हैं। एक काम करो, आप कुत्ते को बॉयफ्रेंड बना लो, ठीक है? तब दीदी खुश रहेंगी। दीदी को कोई मतलब नहीं है, दीदी को लॉयल चाहिए। पर दीदी कुत्ते के साथ कैसे रहोगी आप? जिंदगी में रह लो, आपका बेस्ट फ्रेंड तो लड़का ही है।
इंडियन मॉम्स भी लाइक वही रखा है। वही कहाँ? बेड के ऊपर, फ्रिज के ऊपर, टीवी के ऊपर, सोफे पे, नहीं वही कहाँ? कहाँ है वहाँ? ये वही कहाँ है भाई? मैं नहीं ढूंढ पा रही हूँ कहाँ है। मतलब ये बंदी इस दुनिया में आई ही क्यों है सिर्फ? हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो तो आपने देख ही लिया होगा इसके ऊपर है। तो मैंने जब YouTube खोला कल परसों तो मैंने देखा कि जितने भी सारे जो रोस्ट करते हैं यूट्यूबर उन सब ने मतलब रोबी को रोस्ट कर रखा है, ठीक है। तो मतलब कोई निपानी की वजह से, कोई बॉयज की वजह से, कोई राहुल की वजह से, मतलब काफ़ी ज़्यादा रोस्ट में चल रही है दीदी हमारी। तो दीदी की जब मैंने प्रोफाइल चेक की तो दीदी के वहाँ पे सब यही सब भरा हुआ था, सिंगल 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 नो कोई। और दीदी के से वीडियो में दीदी खुद एक्टिंग कर रही होती है, अदर कोई नहीं होता, ठीक है। अपने आप से गेटअप रेडी करती है, मॉम का या फ्रेंड का या बेस्ट फ्रेंड का, खुद ही बोल रही होती है, खुद ही वीडियो बना रही होती है। इससे पता चलता है कि रूही जी की दुनिया में कोई नहीं है, ना वो सिंगल है, ना ही उनके पास ज़्यादा कोई, एक ही दोस्त है शायद उनके पास में जिसका नाम है साहिल नहीं, उसके अलावा तो उनके पास है नहीं। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया भाई, रोस्ट मत करो उस बंदी को, वो फेमस हो जाएगी और ज़्यादा, ठीक है। उसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि वो सिंगल है। तो जो भी लड़का उसमें